नमस्कार टू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ असित कुमार पटनायक। अगेन आई एम कमिंग बैक टू माई चैनल असित गवर्नमेंट रूल गुरु। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब मी सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन फॉर माई अपकमिंग वीडियोज। टुडे आई विल डिस्कस सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964, रूल 427। इन माई प्रीवियस वीडियो ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड रूल 1, 2, 3, so today I will discuss rule 427. So first you see rule 4 of CCS conduct rule 1964. It is employment of near relatives of government servant in companies or firms. So इट इज़ रिलेटेड टू द एम्प्लॉयमेंट। यदि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय का फैमिली मेम्बर कोई फार्म और कंपनी में उसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलता है और उसी फार्म और कंपनी के साथ कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कोई ऑफिशियल डीलिंग्स है, कोई ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसके ऊपर जो रूल्स हैं हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल यूज हिज पोजीशन और इन्फ्लुएंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू सिक्योर एम्प्लॉयमेंट फॉर एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली इन एनी कंपनी और फार्म। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट उसका ऑफिशियल पावर को यूज करके, उसका ऑफिशियल इन्फ्लुएंस डाल के यदि उसकी कोई फैमिली मेंबर को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देता है तो वो सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 को वायोलेट करता है। तो इसलिए कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट उसका ऑफिशियल पावर को यूज नहीं करेगा, उसका ऑफिशियल इन्फ्लुएंस को यूज नहीं करेगा इस मैटर में कि कोई भी उसका फैमिली मेंबर को वो उसका ऑफिशियल पावर को यूज करके और ऑफिशियल इन्फ्लुएंस को यूज करके वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देगा। ये फर्स्ट है। इस रूल 4 सेकेंड में फर्स्ट पार्ट रूल 4, इट इज द सेकेंड रूल ऑफ रूल 4, फर्स्ट बीट, नो क्लास 1 ऑफिसर शाल एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट परमिट इज सन, डॉटर और अदर डिपेंडेंट टू एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट इन एनी कंपनी और फार्म विथ व्हिच ही हैज ऑफिशियल डीलिंग्स और इन एनी अदर कंपनी और फार्म हैविंग ऑफिशियल डीलिंग्स विद द गवर्नमेंट। इसमें यदि जो क्लास वन ऑफिसर है, जो क्लास वन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसका जो ऑफिशियल डीलिंग है फार्म में और कोई कंपनी में, उसमें उसका सन, डॉटर और उसका कोई डिपेंडेंट फैमिली मेंबर को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलता है तो इसमें वो प्रीवियस गवर्नमेंट का प्रीवियस सैंक्शन, गवर्नमेंट उसको प्रीवियसली सैंक्शन दिया है तो वो एम्प्लॉयमेंट को एक्सेप्ट करेगा। तो गवर्नमेंट सैंक्शन नहीं किया है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट रूल। इसमें याद रखना है जिस कंपनी और जिस फार्म में क्लास वन ऑफिसर का ऑफिशियल डीलिंग है और ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट है और उसी फार्म और कंपनी में उसका सन, डॉटर और एनी अदर डिपेंडेंट फैमिली मेंबर को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलता है तो गवर्नमेंट उसको प्रीवियसली सैंक्शन किया है तो वहां पर एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट किया जाएगा।
नहीं तो नहीं किया जाएगा, ये फर्स्ट में आता है रूल टू का। नेक्स्ट यहां पर दिया है प्रोवाइडेड दैट वेयर द एक्सेप्टेंस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट अवेट प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट और इज अदरवाइज कंसिडर्ड अर्जेंट द मैटर शैल बी रिपोर्टेड टू द गवर्नमेंट एंड द एम्प्लॉयमेंट मे बी एक्सेप्टेड प्रोविजनली सब्जेक्ट टू द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें क्या है, जिस फार्मर कंपनी में क्लास वन ऑफिसर का ऑफिशियल डीलिंग है और ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट है और वहाँ पर उसका सन डॉटर और उसका कोई डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो अर्जेंट केस में एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट होगा और उसमें क्लास वन ऑफिसर रिपोर्ट करेगा गवर्नमेंट को, तो उस केस में एम्प्लॉयमेंट जो एक्सेप्ट होगा वो प्रोविजनली होगा, गवर्नमेंट का रेस्पॉन्स को अवेट किया जाएगा। और अर्जेंट केस में क्लास वन ऑफिसर क्या करेगा ना, गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगा, इन्फॉर्म करेगा और एम्प्लॉयमेंट को एक्सेप्ट कर दिया जाएगा प्रोविजनली, फिर गवर्नमेंट का रेस्पॉन्स को अवेट किया जाएगा अर्जेंट मैटर में। क्लियर। नेक्स्ट वही सेकेंड बिट में है, ए गवर्नमेंट सर्वेंट साल as soon as he becomes aware of the acceptance by a member of his family of an employment in any company or firm intimate such acceptance to the prescribed authority and shall also intimate whether he has or has had any official dealings with that company or firm। इसमें क्या है, यदि गवर्नमेंट सर्वेंट डिटेक्ट करता है कि उसका कोई फैमिली मेंबर एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट किया है फार्म और एनी फार्म और कंपनी में, तो इस केस में वो प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी को इंटीमेट करेगा और उसमें ऑल्सो इंटीमेशन देगा कि उस कंपनी और फार्म के साथ उसका क्या ऑफिशियल डीलिंग्स है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिटेक्ट करता है कि उसका कोई फैमिली मेंबर को जॉब मिला है फार्म और कंपनी में और वो कंपनी और फार्म के साथ उसका ऑफिशियल डीलिंग है, तो इमीडिएटली उसको वो रिपोर्ट करेगा प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को कि मेरा फैमिली मेंबर को इस फार्म और कंपनी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिला है और वो एम्प्लॉयमेंट को एक्सेप्ट किया है और उसी फार्म और कंपनी में मेरा इस तरीके का ऑफिशियल डीलिंग्स है, इस तरीके का ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट है, तो इस तरीके से वो उसका प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को रिपोर्ट करेगा यदि उसका कोई फैमिली मेंबर एम्प्लॉयमेंट को एक्सेप्ट कर दिया है और वो गवर्नमेंट सर्वेंट को पता चला कि ऑलरेडी उसका फैमिली मेंबर एक्सेप्ट कर चुका है, तो उस केस में वो देखेगा कि वो फार्म और कंपनी के साथ उसका ऑफिशियल डीलिंग है, तो इस केस में वो इमीडिएटली प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को इंटीमेट करेगा दो चीज कि इस फार्म और कंपनी में मेरा इस तरीके का ऑफिशियल डीलिंग है और उसी कंपनी और फार्म में मैं डिटेक्ट किया कि मेरा फैमिली मेंबर को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिला है और मेरा फैमिली मेंबर एम्प्लॉयमेंट को एक्सेप्ट किया है। नेक्स्ट प्रोवाइडेड दैट नो सच इंटीमेशन शैल बी नेसेसरी इन द केस ऑफ ए क्लास वन ऑफिसर इफ ही हैज ऑलरेडी ऑब्टेन्ड द सैंक्शन ऑफ और सेंट ए रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट। इस केस में क्या है, यदि वो ऑलरेडी गवर्नमेंट को रिपोर्ट किया है और गवर्नमेंट से उसको सैंक्शन प्राप्त हुआ है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि इस मैटर को वो ऑलरेडी गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर चुका है और गवर्नमेंट से भी वो सैंक्शन गवर्नमेंट से उसको अप्रूव भी किया गया है, सैंक्शन भी मिल चुका है, तो उस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना है। ठीक है, फिर थर्ड रूल में जाएंगे, नो गवर्नमेंट सर्वेंट
shall in the discharge of his official duties deal with any matter or give or sanction any contract to any company or firm or any other person, if any member of his family is employed in that company or firm or under that person, or if he or any member of his family is interested in such matter or contract in any other manner, and the government servant shall refer every such matter or contract to his official superior, and the matter or contract shall thereafter be disposed of according to the instructions of the authority to whom the reference is made. उसके बारे में थोड़ा बता रहा हूँ. जो ए रूल फोर का जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या है कि एक पर्टिकुलर फार्मर कंपनी में गवर्नमेंट एम्प्लॉई का कोई फैमिली मेंबर जॉब कर रहा है और उसी कंपनी और फार्म में गवर्नमेंट एम्प्लॉई को कुछ ऑफिशियल डीलिंग्स करना पड़ेगा और कुछ ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो वो डिटेक्ट किया कि उसी फार्मर कंपनी में उसका फैमिली मेंबर जॉब में है, तो उस कंडीशन में वो उसका सुपीरियर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेगा कि इस फार्मर कंपनी में मेरा फैमिली मेंबर काम कर रहा है और अभी जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट होगा वो उसी कंपनी और फार्म के साथ होगा और जो ऑफिशियल डीलिंग्स होगा उसी फार्म और कंपनी के साथ होगा. तो इस साइड में वो सुपीरियर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेगा और सुपीरियर अथॉरिटी उसको हैंडल करेगा. क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो रेड पार्ट है, जो थ्री रूल्स, ये एक्चुअली प्राइम रूल्स है, आपको याद रखना है. नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड्स अप्रेंटाइसशिप ऑल्सो. अप्रेंटाइसशिप बेसिकली ट्रेनिंग. तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो, ये जो ट्रेनिंग जो है वो भी उसमें आता है. ओके. इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्लोज रिलेशंस टू बी गिवन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट. जब जो सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 में है, जो न्यू रिक्रूट, जब एक पर्सन को न्यू रिक्रूटमेंट मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो तब वो जब ज्वाइन करेगा तो वो पूरा डिक्लेयर करेगा उसका क्लोज रिलेशंस, तो वो सर्विस बुक में पूरा मेंटेन होगा, उसका फैमिली मेंबर्स का नाम पूरा मेंटेन होगा. क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट वन, प्रायर परमिशन और प्रायर इंटीमेशन नेसेसरी फॉर एक्सेप्टिंग एम्प्लॉयमेंट इन फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस. यदि फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई का फैमिली मेंबर को, ओके, एनी फैमिली मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉई गेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस, देन द गवर्नमेंट एम्प्लॉई मस्ट टेक प्रायर परमिशन और प्रायर इंटीमेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट. सो इमीडिएटली द गवर्नमेंट एम्प्लॉई मस्ट इन्फॉर्म टू द गवर्नमेंट. इट मीन्स द गवर्नमेंट एम्प्लॉई has taken prior permission or prior intimation. Okay, so it is necessary one for accepting employment in foreign organizations. उस employment को accept करने से पहले वो government employee prior permission लेना है और also वो preceding manner वो already intimate कर चुका था और उसको inform, माने it means उसको permission मिल चुका है, तब employment इस condition में accept किया जाएगा. यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कोई फैमिली मेंबर को फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब मिल रहा है, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, वर्ल्ड बैंक की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस तरीका का ऑर्गेनाइजेशंस में, तो प्रायर परमिशन और प्रायर इंटीमेशन नेसेसरी फॉर एक्सेप्टिंग एम्प्लॉयमेंट इन फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस. ये रूल फोर हो गया. फिर सीसीएस कंडक्ट रूल रूल 5, टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस. ये पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस के मैटर में है. जो रेड पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है.
और जो टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी ए मेंबर ऑफ और बी अदरवाइज एसोसिएटेड विथ एनी पॉलिटिकल पार्टी और एनी ऑर्गेनाइजेशन व्हिच टेक्स पार्ट इन पॉलिटिक्स नॉर शैल ही टेक पार्ट इन सब्सक्राइब इन एड ऑफ और असिस्ट इन एनी अदर मैनर एनी पॉलिटिकल मूवमेंट और एक्टिविटी। इसमें गवर्नमेंट सर्वेंट ये जो रूल है, फर्स्ट रूल है, गवर्नमेंट सर्वेंट कोई भी पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं हो सकता। वो कोई कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर को एक्सेप्ट नहीं करेगा और कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबरशिप को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और इस केस में ऑल्सो वो कोई पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट नहीं करेगा, कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट नहीं करेगा, कि उसको सहायता भी नहीं करेगा, असिस्ट भी नहीं करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स द गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैज नो कनेक्शन विद द पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल एसोसिएशंस और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस। देर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। इन अदर केसेस ऑल्सो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज डू नॉट असिस्ट टू प्रमोट पॉलिटिकल एसोसिएशंस और पॉलिटिकल एक्टिविटीज। दे डू नॉट प्रोवाइड एनी टाइप ऑफ एड, दे डू नॉट प्रोवाइड एनी टाइप ऑफ सपोर्ट टू प्रमोट पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस। सेकेंड जो रूल है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट टू एंडेवर टू प्रिवेंट एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन सब्सक्राइबिंग इन एड ऑफ और असिस्टिंग इन एनी अदर मैनर एनी मूवमेंट और एक्टिविटी व्हिच इज और टेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू बी सबवर्सिव ऑफ द गवर्नमेंट एज बाय लॉ एस्टेब्लिश्ड एंड व्हेयर गवर्नमेंट सर्वेंट इज अनेबल टू प्रिवेंट ए मेंबर ऑफ हिज फैमिली फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन और सब्सक्राइबिंग इन एड ऑफ और असिस्टिंग इन एनी अदर मैनर एनी सच मूवमेंट और एक्टिविटी ही शैल मेक ए रिपोर्ट टू दैट इफेक्ट टू द गवर्नमेंट। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सेकेंड में क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई उसका फैमिली मेंबर को प्रिवेंट करेगा कि ऐसा कोई भी पॉलिटिकल मूवमेंट, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में वो उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहे। ईच एंड एवरी टाइम द गवर्नमेंट एम्प्लॉई प्रिवेंट हिज फैमिली मेंबर्स टू इन्वॉल्व इन एनी पॉलिटिकल पार्टीज और ऑर्गेनाइजेशंस और टू टेक पार्ट इन एनी टाइप ऑफ पॉलिटिकल मूवमेंट्स ड्यू टू दिस इट इज डेट्रीमेंटल फॉर द गवर्नमेंट लॉज, इट इज हार्मफुल फॉर द गवर्नमेंट लॉज। तो वो उसको प्रिवेंट करने के लिए ट्राई करेगा। यदि वो प्रिवेंट नहीं कर पाता है, यदि उसका फैमिली मेंबर को बोलने के बाद भी वो उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, कोई पॉलिटिकल मूवमेंट में, कोई पॉलिटिकल पार्टी में, कोई पॉलिटिकल एसोसिएशन में वो इन्वॉल्वमेंट हो जाता है और उसमें ऐसा कुछ होता है जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए खतरा है, तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट एम्प्लॉई वो एक रिपोर्ट देता है गवर्नमेंट को कि मेरा फैमिली मेंबर को मैं प्रिवेंट किया, मगर प्रिवेंट करने के बाद भी वो इन्वॉल्व रहा इस पॉलिटिकल पार्टी में और इस पॉलिटिकल एसोसिएशन में और इस तरीके का पॉलिटिकल मूवमेंट में। तो इस तरीके का वो गवर्नमेंट को रिपोर्ट देगा। सपोज वो प्रिवेंट कर देता है तो रिपोर्ट का जरूरत नहीं है, मगर वो प्रिवेंट नहीं कर पाया, उसका फैमिली मेंबर को बोलने के बाद भी वो इन्वॉल्वमेंट हुआ, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, कोई पॉलिटिकल एसोसिएशन, कोई पॉलिटिकल मूवमेंट में इन्वॉल्व हुआ, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वहाँ पर प्रिवेंट नहीं कर पाया, तो उस केस में वो गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट देगा। ठीक है। थर्ड वन, इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस
whether a party is a political party, or whether any organization takes part in politics, or whether any movement or activity falls within the scope of subrule 2, the decision of the government thereon shall be final. Suppose koi party political party hai ki nahi, koi organization wo पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसी एरिया में यदि कंफ्यूजन है तो गवर्नमेंट डिसीजन फाइनल होता है. गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि ये पार्टी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं, कि ये पार्टी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है कि नहीं. तो फाइनली यदि कंफ्यूजन है तो गवर्नमेंट उसको दूर करेगा. तो गवर्नमेंट फाइनली वो गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया जाता है. तो मेनली इट इज लिफ्ट टू द गवर्नमेंट, देन गवर्नमेंट विल डिसाइड ओके इन दिस मैटर. ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ वन, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शल कैनवास और अदरवाइज इंटरफियर विथ और यूज हिज इन्फ्लुएंस इन कनेक्शन विथ और टेक पार्ट इन एन इलेक्शन टू एनी लेजिस्लेचर और लोकल अथॉरिटी. तो उसमें क्या है, गवर्नमेंट सर्वेंट एक्चुअली इन्वॉल्व नहीं रहेगा कोई पॉलिटिकल सर्वे में, और वो जब इलेक्शन होता है उसका इंटरफियरेंस नहीं रहेगा, कुछ पॉलिटिकल पार्टी को वो सपोर्ट नहीं करेगा. कोई भी लोकल इलेक्शन हो कि एमएलए इलेक्शन हो कि एमपी इलेक्शन हो, उसका किस तरीके का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा. तो उसमें ऑप्शन है, दो ऑप्शन है. ए गवर्नमेंट सर्वेंट क्वालिफाइड टू वोट एट सच इलेक्शन मे एक्सरसाइज हिज राइट टू वोट, बट व्हेयर ही डज सो ही शैल गिव नो इंडिकेशन ऑफ द मैनर इन व्हिच ही प्रपोजेस टू वोट और हैज वोटेड. तो गवर्नमेंट सर्वेंट जहाँ पर वोट देने के लिए जाता है वो उसका वोट को फ्रेंचाइज करता है, उस कंडीशन में वो किसी को भी इंडिकेट नहीं करेगा कि उस पार्टी को वोट दो, क्योंकि वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसका राइट है वोट देने के लिए, उसका कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उसका कॉन्स्टिट्यूएंसी को जाता है वो वोट देने के लिए. मगर वहां पर वो किसी को हिंट और इंडिकेट नहीं करेगा कि इस तरीके का पर्टिकुलरली इसी पॉलिटिकल पार्टी को आप वोट दो. यदि वहां पर वो डिटेक्ट होता है वो उसका CCS कंडक्ट रूल के हिसाब से उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन होगा. तो इसके लिए जब वो वोट फ्रेंचाइज करता है उसका कॉन्स्टिट्यूट जो उसका कॉन्स्टिट्यूट एरिया है वहाँ पर जब वो वोट फ्रेंचाइज करता है तो वो वहाँ पर किस तरीके का हिंट और किस तरीके का वो इंडिकेशन अदर वोटर्स को नहीं देगा कि इस पॉलिटिकल पार्टी को आप वोट दो. ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड है, ए गवर्नमेंट सर्वेंट शैल नॉट बी डीम्ड टू हैव कॉन्ट्रावेंड द प्रोविजन्स ऑफ दिस सब रूल बाय रीजन ओनली दैट ही असिस्ट इन द कंडक्ट ऑफ एन इलेक्शन इन द ड्यू परफॉर्मेंस ऑफ ए ड्यूटी इम्पोज्ड ऑन हिम बाय और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स. आप जानते हो कि जब लोकल बॉडी इलेक्शन होता है कि मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ये सब इलेक्शन होता है, वहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट को असाइन किया जाता है ड्यूटी, इलेक्शन ड्यूटी मिलता है, प्रेजाइडिंग ऑफिसर और अदर ऑफिसर्स ड्यूटी मिलता है. तो वहाँ पर वो कोई भी रूल को कॉन्ट्रावेंड नहीं करेगा, वो वेरी ट्रांसपेरेंटली वेरी ऑनेस्टली उसका ड्यूटी वो पालन करेगा. वो वहाँ पर कोई पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगा, कोई पॉलिटिकल सिंबल को सपोर्ट नहीं करेगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी के बारे में नहीं बोलेगा. तो ये जो है जो इस कंडीशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एक्सप्लेनेशन और एक दिया है, देखो द डिस्प्ले बाय गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन हिज पर्सन व्हीकल और रेसिडेंस ऑफ एनी इलेक्टोरल सिंबल शल अमाउंट टू यूजिंग हिज इन्फ्लुएंस इन कनेक्शन विथ एन इलेक्शन विथ द मीनिंग ऑफ दिस सब रूल. इसमें क्या है, यदि गवर्नमेंट सर्वेंट पर्सन के हिसाब से वो कोई पॉलिटिकल सिंबल कोई पॉलिटिकल पार्टी का बैच को पहनता है, उसका व्हीकल में कोई पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल लगाता है और इसका रेसिडेंस में कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई एडवर्टाइजमेंट, कोई भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का कोई एडवर्टाइजमेंट पेपर को पेस्ट करता है, वो एक्चुअली CCS कंडक्ट रूल 1964 को वायोलेट करता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट सर्वेंट है तो कोई पॉलिटिकल पार्टी का बैच नहीं पहन सकता, उसका व्हीकल में यूज नहीं कर सकता,
और उसका घर में कोई पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल को वो नहीं रख सकता। क्लियर? नेक्स्ट, कुछ इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल 5.4 में है, द फॉलोइंग एक्शन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट डज नॉट अमाउंट टू कंट्रावेंशन ऑफ रूल 5.4। ऐसा कुछ रूल है वहां पर रूल को कंट्रावेंट नहीं किया जाता है। अभी हमें कंट्रावेंशन के बारे में बताया कि उसको इलेक्शन ड्यूटी मिलता है और वहां पर वो रूल को वायोलेट करेगा, सपोज वो किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करेगा। क्लियर? और लोगों को उसका आएगा, लोगों को इंसाइट करेगा कि इस तरीके का पॉलिटिकल पार्टी को आप वोट दो, तो ये सब रूल्स का खिलाफ होता है। पर यहाँ पर कुछ चीज़ है जो रूल 5.4 में, फर्स्ट वन, मेकिंग नॉर्मल अरेंजमेंट ड्यूरिंग इलेक्शन टूर्स ऑफ मिनिस्टर्स टू एनेबल देम टू कैरी आउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज मिनिस्टर्स। हम जानते हैं जब मिनिस्टर्स विजिट करते हैं पर्टिकुलर एरिया को टू कैरी आउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो उस साइड में गवर्नमेंट एम्प्लॉई कुछ नॉर्मल अरेंजमेंट करता है। ये एक कॉर्टेसी होता है, ये एक शिष्टाचार होता है, ये एक कॉर्टेसी होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉई का कि वो अरेंजमेंट करता है यदि कोई मिनिस्टर इलेक्शन टूर में एक पर्टिकुलर एरिया को जाता है। नेक्स्ट वन, वो ये रूल को कॉन्ट्रावेंट नहीं करता है इस केस में, यहाँ पर रूल वायोलेट नहीं होगा। अरेंजमेंट बाई डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स फॉर अफोर्डिंग नॉर्मल कॉर्टेसीज एंड सिक्योरिटी टू मिनिस्टर्स ऑन देयर विजिट्स कनेक्टेड विथ इलेक्शन कैंपेन। आज डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जब कोई मिनिस्टर डिस्ट्रिक्ट को पॉलिटिकल की इलेक्शन कैंपेन के लिए जाता है तो उनका प्रोटेक्शन के लिए सिक्योरिटी देना, ओके, ये सब कंट्रावेंट नहीं करता है, रूल को वायोलेट नहीं करेगा वो, ये नॉर्मल कर्टेसी है। क्योंकि हम जानते हैं मिनिस्टर्स आएंगे, इलेक्शन रैली होगा, इलेक्शन कैंपेन होगा, तो उस साइड में जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर वो अरेंज करता है, सिक्योरिटी अरेंज करता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है कि कोई प्रकार का खतरा नहीं होगा, ओके, मिनिस्टर्स को। तो ये सब अरेंजमेंट जो होता है तब गवर्नमेंट एम्प्लॉई रूल को वायोलेट नहीं करता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, द फॉलोइंग एक्शन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट विल अमाउंट टू कंट्रावेंशन ऑफ रूल 5। और कुछ रूल बताएंगे ये रूल को कंट्रावेंट करेगा, ये रूल को वायोलेट करेगा, सीसीएस कंडक्ट रूल को वायोलेट करेगा। यहां पर क्या है, यदि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई इलेक्शन मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है ऑन बिहाफ ऑफ द मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजिंग इलेक्शन मीटिंग, तो ये वायोलेट करता है सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 को। वो कोई इलेक्शन मीटिंग ऑर्गेनाइज नहीं करेगा, ओनली फैसिलिटीज देगा, ओनली प्रोटेक्शन मिनिस्टर्स को देगा, जो अरेंजमेंट कर देगा, मगर वहां पर कोई पॉलिटिकल मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है मिनिस्टर के लिए, तो ये रूल को वायोलेट करता है। और क्या है, प्रेजेंट इन द पॉलिटिकल मीटिंग्स फॉर पॉलिटिकल फेवर्स एक्सेप्ट फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड अफोर्डिंग नॉर्मल प्रोटेक्शन टू मिनिस्टर्स। कभी कभी क्या है, वो जब पॉलिटिकल मीटिंग चलता है वहां पर गवर्नमेंट एम्प्लॉई प्रेजेंट रहता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, नॉर्मल प्रोवाइडिंग नॉर्मल प्रोटेक्शन टू मिनिस्टर्स। मगर कभी कभी क्या होता है, यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉई वहां पर प्रेजेंट होता है इलेक्शन मीटिंग में एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने के लिए, तो वो वायोलेट होगा। यदि वो पॉलिटिकल मीटिंग में प्रेजेंट होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कि प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू द मिनिस्टर्स, ये रूल को वायोलेट नहीं करेगा। यदि वो जानबूझकर प्रेजेंट होता है मीटिंग में इन फेवर ऑफ द पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी टू प्रमोट एनी पर्टिकुलर पार्ट पॉलिटिकल पार्टी, तब वो रूल को कंट्रावेंट करता है, रूल को वायोलेट करता है, तो उसको आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट कुछ नोट हम देखेंगे, गवर्नमेंट सर्वेंट प्रपोजिंग द नॉमिनेशन ऑफ ए कैंडिडेट एट एन इलेक्शन और एक्टिंग एज पोलिंग एजेंट नॉट परमिसेबल। वो कोई भी पोलिंग एजेंट के आकार में नहीं रहेगा और कोई प्रपोज नहीं करेगा कि इस कैंडिडेट, इट मीन्स प्रपोजिंग द नॉमिनेशन ऑफ ए कैंडिडेट एट एन इलेक्शन, ना वो नॉमिनेट करेगा ना वो पॉलिटिकल एजेंट के आकार में रहेगा। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी मीन्स कोई भी पॉलिटिकल सिंबल को वो सपोर्ट नहीं करेगा, वो इम्पार्शियल रहेगा,
कोई पॉलिटिकल पार्टी को वो प्रमोट नहीं करेगा, कोई पॉलिटिकल एसोसिएशन को वो प्रमोट नहीं करेगा। तो ये पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स। गवर्नमेंट सर्वेंट्स टू कीप अवे फ्रॉम डेमोन्स्ट्रेशन इन द विसिनिटी और नेबरहुड ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेस। सपोज गवर्नमेंट, उसका गवर्नमेंट ऑफिस के पास में कोई डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, कोई ऐसा कुछ पॉलिटिकल रैली पास कर रहा है और उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय जाकर उसमें एसोसिएट हो जाता है और उसमें इन्वॉल्व होता है, तो वो रूल को वायोलेट करता है। तो ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन होगा ऑफिस के पास, मगर वहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। इलेक्शन रैली पास करेगा, ये होता रहेगा, मगर उसी कंडीशन में गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा कि हाँ डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, पॉलिटिकल कोई पॉलिटिकल पार्टी का रैली पास कर रहा है तो वो जाकर उसमें इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो ये गलत है, ये सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 को वायोलेट करता है। प्रायर परमिशन फ्रॉम द अप्रोप्रिएट हेड ऑफ द ऑफिस और डिपार्टमेंट कंसर्न टू ज्वाइन द भारत सेवक समाज। भारत सेवक समाज जो है वो नेशनल डेवलपमेंट प्लान में है कि उसका मेन एक्टिविटी है टू प्रमोट द सोसाइटी फॉर द कलेक्टिव बेनिफिट ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो उसमें गवर्नमेंट सर्वेंट सपोज पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसको प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा हेड ऑफ द ऑफिस और डिपार्टमेंट कंसर्न का प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा कि मैं भारत सेवक समाज में मैं इन्वॉल्व होना चाहता हूँ और मैं कुछ काम करना चाहता हूँ कि जो समाज का विकास हो जाएगा, कि लोगों को कुछ बेनिफिट मिलेगा। और उस केस में कंडीशन है, मैं नीचे में लिखा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन भारत सेवक समाज ऑर्गेनाइजेशन बट द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट इंटरफियर विद द ड्यू डिस्चार्ज बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट कंसर्न्ड ऑफिस ऑफिशियल ड्यूटीज। वो भारत सेवक समाज में इन्वॉल्व हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें सेल्फलेसली वो सोसाइटी में लोगों का वेलफेयर के लिए वो इन्वॉल्वमेंट होता है, वो विभिन्न तरीके से लोगों को सपोर्ट करेगा, वो सब होगा, मगर उसका जो मेन प्राइम वर्क है, जो ऑफिशियल ड्यूटीज में कुछ उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आज यूजल मैनर वो ऑफिशियल ड्यूटीज करेगा, जो नॉन ऑफिशियल आवर्स में वो इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्वमेंट रहेगा और सोसाइटी का वेलफेयर के बारे में सोचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रायर परमिशन लेना पड़ता है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, भारत सेवक समाज आपको याद रखना है नेशनल डेवलपमेंट प्लान के अंदर है, जो सोसाइटी को प्रमोट किया जाता है। उस ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ईच एंड एवरी टाइम दे थिंक अबाउट द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी फॉर द कलेक्टिव बेनिफिट ऑफ द पीपल, टू अपलिफ्ट द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, टू स्ट्रेंथन सपोज रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, देयर इज देयर वॉइस टू स्ट्रेंथन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली इन द विलेज एरियाज। सो ये सब है। तो जो नॉन ऑफिशियल आवर है तो उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉई इन्वॉल्व होगा इस तरीका का ऑर्गेनाइजेशन में, मगर इस तरीका का ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व होने के लिए उसको प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से, और उससे जो उसका ऑफिशियल ड्यूटी है वो हम पर नहीं होगा। नेक्स्ट, पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स इन द इंडो फॉरेन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन टू बी अवॉइडेड। ये इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया है, कोई भी इंडो फॉरेन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन में वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मेंबरशिप नहीं लेगा, जैसे इंडो जर्मन कल्चरल एसोसिएशन, इंडो सोवियत कल्चरल एसोसिएशन, ये सब है, इसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसको अवॉइड करेगा। मियर इंटीमेशन एंड नो प्रायर परमिशन सफिशियंट टू ज्वाइन संयुक्त सदाचार समिति। ये जो संयुक्त सदाचार समिति है, फाइट एंड एराडिकेट करप्शन इन ऑल फॉर्म्स, ऑलवेज दिस समिति फाइट फॉर द कंप्लीट एराडिकेशन ऑफ करप्शन एक्टिविटीज। तो उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉई इन्वॉल्व हो सकता है, उसमें ओनली वो मियर इंटीमेशन देगा, कोई प्रायर परमिशन का जरूरत नहीं है। जैसे भारत सेवक समाज में प्रायर परमिशन का जरूरत है, और यहाँ पर कोई ओनली वो गवर्नमेंट को इंटीमेट कर देता है, कोई प्रायर परमिशन का जरूरत नहीं है, तो उस समिति में वो इन्वॉल्व होता है, और उसमें वही कंडीशन है, जो जब इसमें इन्वॉल्व होता है उसका ऑफिशियल जो ड्यूटीज है वो हम पर नहीं होगा। तो आज यूजल वो ऑफिशियल ड्यूटीज करेगा और जो नॉन ऑफिशियल आवर है तो इस समिति में वो इन्वॉल्व होगा और रेज द वॉइस अगेंस्ट करप्शन एक्टिविटीज।
Next, prior permission necessary to join foreign language classes conducted by Indo foreign cultural organizations like the German Indian Association, Indo Soviet Cultural Society, etc. कोई foreign language classes में वो government employee involve होना चाहता है तो prior permission का जरूरत है. Prior permission necessary, यहाँ पर prior permission का जरूरत है. जैसे जो इंडो फॉरेन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे जर्मन इंडियन एसोसिएशन की इंडो सोवियत कल्चरल सोसाइटी, उसमें वो फॉरेन लैंग्वेज क्लासेस ले सकता है मगर प्रायर परमिशन का जरूरत है. पार्टिसिपेशन बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट्स इन द एक्टिविटीज ऑफ आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एंड जमाती इस्लामी इज लाइबल टू डिसिप्लिनरी एक्शन. तो इस तरीका का ऑर्गेनाइजेशन में वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आरएसएस एंड जमाती इस्लामी, दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस बेसिकली अफिलिएटेड विद द पॉलिटिकल पार्टी. दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैविंग अलायंस विद पॉलिटिकल पार्टीज, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ये ऑर्गेनाइजेशन का अलायंस है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट पार्टिसिपेट नहीं करेगा. पार्टिसिपेट करेगा तो डिसिप्लिनरी एक्शन होगा. ठीक है, ये रूल, हाँ ये हो गया. नेक्स्ट, वही रूल 5 में, एसोसिएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स विथ बैंड ऑर्गेनाइजेशंस एंड अदर एक्सट्रीमिस्ट लेफ्ट पार्टीज इज लाइबल टू डिसिप्लिन एक्शन. तो कोई बैंड ऑर्गेना, गवर्नमेंट उसको बैन किया है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को, अदर एक्सट्रीमिस्ट लेफ्ट पार्टीज, तो इस तरीका का ऑर्गेनाइजेशंस में वो एसोसिएट नहीं होगा. द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज शुड नॉट एसोसिएटेड विथ बैंड ऑर्गेनाइजेशंस एंड अदर एक्सट्रीमिस्ट लेफ्ट पार्टीज. इसमें पार्टिसिपेट करेगा, उसका एसोसिएशन देगा तो वहाँ पर डिसिप्लिनरी एक्शन होगा. पार्टिसिपेशन इन द एक्टिविटीज ऑफ धर्म प्रचारक संस्था एंड दूरदर्शी पार्टी इज लाइबल टू डिसिप्लिनरी एक्शन. कोई रिलीजियस जो संस्था है, धर्म प्रचारक संस्था और दूरदर्शी पार्टी, इसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा. ये जो रिलीजियस जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो रिलीजियस एसोसिएशन है कि दूरदर्शी पार्टी, तो इस तरीका का ऑर्गेनाइजेशन में वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा. ये बहुत इम्पोर्टेंट है. तो ये हो गया रूल 5 जो पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन के ऊपर हो गया. फिर रूल 6 को चलेंगे, जॉइनिंग ऑफ एसोसिएशंस बाय गवर्नमेंट सर्वेंट्स. ये एसोसिएशंस के ऊपर है. नो गवर्नमेंट सर्वेंट शाल जॉइन और कंटिन्यू टू बी ए मेंबर ऑफ an association, the objects or activities of which are prejudicial to the interest of the sovereignty and integrity of India or public order or morality. जो रेड पार्ट है वो प्राइम रूल है. तो ये जो रूल 6 में बताया गया है, कभी भी गवर्नमेंट सर्वेंट कोई भी ऐसा एसोसिएशन में ज्वाइन नहीं करेगा जहाँ पर कुछ एक्टिविटीज है तो इट इज़ बेसिकली harmful and detrimental for the sovereignty and integrity of India or encroach public order or morality. तो इस तरीका का जो एसोसिएशन में वो इन्वॉल्व नहीं रहेगा. तो ये मेन बात है. तो ऐसा कोई एसोसिएशन में इन्वॉल्व नहीं रहेगा जिसमें कुछ ऐसा एक्टिविटीज होता है जहाँ पर हमारा सोवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के लिए खतरा है और हमारा पब्लिक ऑर्डर को वो इंक्रोच करता है, वायोलेट करता है और लोगों का जो पब्लिक मोरालिटी को भी वायोलेट करता है. ये बहुत प्राइम रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट चलेंगे, डिस्प्ले ऑफ पोस्टर्स एंड अदर नोटिसेस कैन बी डिस्प्लेड बाय द रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स, यूनियंस, एसोसिएशंस, ट्रेड यूनियंस ऑन द नोटिस बोर्ड्स इन द ऑफिस प्रीमाइसेस विद द परमिशन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एट द प्लेसेस स्पेसिफाइड फॉर दिस पर्पज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय का एसोसिएशन से, यूनियन से, जैसे ट्रेड यूनियन से, तो उसमें क्या है, वो कुछ पोस्टर्स एंड नोटिसेस वो चिपका सकते हैं, वो पेस्ट कर सकते हैं नोटिस बोर्ड में और एक स्पेसिफिक एरिया होता है, मगर वहाँ पर वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का परमिशन लेते हैं. कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का परमिशन लेने के बाद जो स्पेसिफिक एरिया है ऑफिस प्रेमाइसिस के अंदर, वो पोस्टर को कि कोई नोटिसेस को वो पेस्ट कर सकते हैं. ठीक है,
Next, the facility so provided to recognized associations or unions does not confer on individual government servants or their associations or unions any right to display posters or other notices on the walls, doors, etc. of the office premises. जैसे कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर एक इंडिविजुअल मेंबर वो इंडिविजुअल एम्प्लॉय वो एसोसिएशन किया है, तो इंडिविजुअल जब इंडिविजुअल गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर आता है तो वो जो एसोसिएशन किया है कि वो जो यूनियन किया है तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो कोई पोस्टर और कोई नोटिस वो नोटिस बोर्ड में चिपका सकता है. ओनली जो अफिलिएटेड जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का यूनियन है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का एसोसिएशन है और उसको सभी उसी ऑर्गेनाइजेशन पूरा उसको सपोर्ट करते हैं वो एसोसिएशन को, वही लगा पाएगा. और कोई इंडिविजुअल गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो सपोज लीडर होके वो एक एसोसिएशन खुद बनाया है और बहुत गवर्नमेंट एम्प्लॉयज उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो इस केस में उसको अलाउ नहीं किया जाएगा और वो कोई पोस्टर और कोई नोटिस वो नोटिस बोर्ड में चिपका नहीं पाएगा. द एसोसिएशंस और यूनियंस में बी अलाउड टू डिस्प्ले नोटिसेस रिलेटिंग द फॉलोइंग मैटर्स. तो जो एसोसिएशन और यूनियन जो नोटिस को पेस्ट करता है तो उसमें क्या क्या रहता है वो नोटिस में थोड़ा ध्यान देंगे. द डेट, टाइम, प्लेस एंड पर्पज ऑफ ए मीटिंग. जब एसोसिएशन का मीटिंग होगा किस डेट में होगा, कौन सा टाइम में होगा, कौन सा प्लेस में होगा और पर्पज क्या है मीटिंग का, वो रहेगा फर्स्ट, तो वो नोटिस में रहेगा. स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनियंस और एसोसिएशंस, वो जो नोटिस पेस्ट करते हैं वहाँ पर रहता है कि कितना इनकम है एसोसिएशन का और कितना एक्सपेंडिचर है, तो वो एक स्टेटमेंट रहता है. अनाउंसमेंट्स रिगार्डिंग होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस एक्सक्लूडिंग कन्वर्सिंग देयरफॉर एंड रिजल्ट देयरऑफ, वहाँ पर नोटिस में ये चिपका जाता है कि इलेक्शन होगा एसोसिएशन का, एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर्स का इलेक्शन होगा और वहाँ पर ये नहीं होता है कि इलेक्शन सर्वे नहीं होता है कि इसको मेंबर चुना जाएगा कि अल्टीमेटली ये जीतेगा, ऐसा कुछ नहीं. ओनली जो डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि इसी डेट में सपोज इस तरीके का मेंबर्स का चयन किया जाएगा. रिमाइंडर्स टू द मेंबरशिप ऑफ द एसोसिएशंस और यूनियंस इन जनरल वे अबाउट द ड्यूज आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट देम, नोटिस में भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि उनको रिमाइंड कर दिया जाता है कि ये सब जो मेंबर है वो अभी तक मेंबरशिप फीस नहीं दिया है तो उनको इसी डेडलाइन के अंदर उनको मेंबरशिप फीस दे देना है. तो इस तरीके का चीज नोटिस में रहेगा और उस तरीके का नोटिस को एक स्पेसिफिक एरिया में ऑफिस प्रीमाइसेस के अंदर उसको पेस्ट किया जाएगा. तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो चार्जेज. फिफ्थ वन है, नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन है द अनाउंसमेंट्स रिलेटिंग टू मैटर्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट टू द मेंबर्स ऑफ एसोसिएशन यूनियन. क्या है ना, दे आर, ये भी नोटिस में रहेगा. दे आर नॉट इन द नेचर ऑफ क्रिटिसिज्म, किसी को हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे कि कभी भी हम डिसिप्लिन को वायोलेट नहीं करेंगे. दे आर नॉट सबवर्सिव ऑफ डिसिप्लिन. दे डू नॉट कंटेन ऑब्जेक्शनेबल और ऑफेंसिव लैंग्वेज, कहाँ पर भी हम ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज. दे डू नॉट कंटेन अटैक्स ऑन इंडिविजुअल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. तो ये सब चीज़ नोटिस में रहता है, उस तरीके का नोटिस चिपका जाता है कब मीटिंग होगा, कब इलेक्शन एसोसिएशन के लिए किया जाएगा, ठीक है, और पूरा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट की कितना एक इनकम है कितना एक्सपेंडिचर है उसके बारे में नोटिस में होता है और ये जो जनरल रूल्स कुछ होता है तो इसको आपको ध्यान देना है. ओके, यदि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अलाउ करता है एसोसिएशन को और यूनियन को कि आप कोई भी नोटिस और इट मीन्स पोस्टर को आप पेस्ट कर सकते हो, मगर वो नोटिस और बेसिकली पोस्टर में इस तरीके का चीज़ होना चाहिए तो इसको थोड़ा आपको ध्यान देना चाहिए. नेक्स्ट, एक्शन फॉर, कुछ नोट में है, एक्शन फॉर एलिजेड वायोलेशन ऑफ रूल 6 ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 कैन बी टेकन बाय डिसिप्लिनरी अथॉरिटी नॉट बिलो द लेवल ऑफ ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैज डिसाइडेड दैट द ऑब्जेक्ट्स और एक्टिविटीज ऑफ द एसोसिएशन कंसर्न्ड आर सच एज वुड अट्रैक्ट रूल 6. तो यहाँ पर क्या होता है, जब ये जो रूल 6 है एसोसिएशंस के ऊपर, सपोज गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई ऐसा कुछ एसोसिएशन में इन्वॉल्वमेंट होता है और वहाँ पर जैसे
इट मीन्स इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट के लिए वो खतरा होता है कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए खतरा होता है कि ऐसा एसोसिएशन में इन्वॉल्वमेंट होता है जहाँ पर कुछ एक्टिविटीज होता है वहाँ पर गवर्नमेंट रूल को वायोलेट किया जाता है, तो उस केस में एक्शन कौन लेगा? तो बेसिकली हेड ऑफ द डिपार्टमेंट लेता है एक्शन, डिसिप्लिनरी एक्शन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट लेगा। सपोज जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को डाउट होता है तब वो एडवाइस करता है। When the head of the department actually is in confusion in regarding to this rule, so he shall take advice of the administrative ministry or department concerned before action for the alleged violation of rule 6. तो वहाँ पर वो confusion है तो तब head of the department consult करता है administrative ministry और department से, तो तो consult करने के बाद वो action लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं बेसिकली रूल 6 जब वायोलेट होगा, यदि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई कोई ऐसा एसोसिएशन में इन्वॉल्वमेंट हो जाता है और एसोसिएशन का एक्टिविटीज से गवर्नमेंट रूल वायोलेट होता है, तो उस केस में उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, मगर कौन लेगा? जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट लेता है। यदि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कन्फ्यूजन होता है तो उस केस में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कंसल्ट विथ एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट कंसर्न बिफोर टेकिंग एनी लीगल एक्शन। क्लियर? आज का वीडियो का लास्ट रूल को जाएंगे, डेमोन्स्ट्रेशन एंड स्ट्राइक्स के ऊपर है। नो गवर्नमेंट सर्वेंट शाल एंगेज हिमसेल्फ और पार्टिसिपेट इन एनी डेमोन्स्ट्रेशन व्हिच इज प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी, और व्हिच इन्वॉल्व्स कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफामेशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। ये फर्स्ट है। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो ऐसा कोई स्ट्राइक और डेमोन्स्ट्रेशन में इन्वॉल्व नहीं रहेगा जिससे हमारा क्या है ना सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के लिए खतरा होता है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के लिए खतरा होता है, हमारा फ्रेंडली रिलेशन जो फॉरेन स्टेट्स के साथ होता है उसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, ओके पब्लिक जो ऑर्डर होता है उसमें कुछ एनक्रोचमेंट आ जाता है, तो ये सब चीज़ है, ठीक है। तो ये फर्स्ट है डेमोन्स्ट्रेशन रिलेटेड में। नेक्स्ट, रिजोर्ट टू और इन एनी वे अबेट एनी फॉर्म ऑफ स्ट्राइक और कोयर्सन और फिजिकल ड्यूरेस इन कनेक्शन विथ एनी मैटर पर्टेनिंग टू हिज सर्विस और द सर्विस ऑफ एनी अदर गवर्नमेंट सर्वेंट। तो ये जो है रिलेटेड टू द स्ट्राइक है, कभी कभी वो कोयर्सन जबरदस्ती, कोयर्सन मेनली मोरल एंड फिजिकल प्रेशर डालता है, ओके तो स्ट्राइक को अपडेट करता है, स्ट्राइक को एनकरेज करता है उसका पर्सनल सर्विस मैटर में और कोई सर्विस मैटर ऑफ एनी अदर गवर्नमेंट सर्वेंट, ये सब आता है रूल्स। ये दोनों प्राइम रूल्स है। तो इसमें क्या पता चल रहा है कि गवर्नमेंट सर्वेंट कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन हो, कोई भी स्ट्राइक हो, उसमें इन्वॉल्व नहीं रहेगा। क्लियर? कभी कभी जो एसोसिएशन है वो प्रायर परमिशन लेके उसका राइट को बचाने के लिए वो स्ट्राइक करता है, मगर प्रायर परमिशन लेता है, पूरा परमिशन होने के बाद वो स्ट्राइक करते हैं उनका राइट को बचाने के लिए। कभी कभी क्या है उनका जो राइट है उसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है और समटाइम्स इट मीन्स एसोसिएशन फाइट फॉर द एम्प्लॉइज बिकॉज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर गोइंग टू लूज सम एसेंशियल बेनिफिट्स, उस केस में वो प्रायर परमिशन एम्प्लॉयर का लेते हैं और वो स्ट्राइक करते हैं। मगर इट मीन्स कोई डेमोन्स्ट्रेशन करना, कोई स्ट्राइक करना, इसमें जो सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के लिए खतरा होता है, हमारा सॉवरेंटी के लिए खतरा होता है, हमारा पब्लिक ऑर्डर एनक्रोच होता है, ठीक है, तो उस एरिया में ये सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 को वायोलेट करता है। तो दोनों चीज आपको, ये बहुत दोनों प्राइम रूल्स है रिलेटेड टू द स्ट्राइक्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन। नेक्स्ट है, एनी गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज एन ऑफिस बियरर और ए मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ ए सर्विस एसोसिएशन शुड नॉट हिमसेल्फ डील इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी विथ एनी रिप्रेजेंटेशन और अदर मैटर्स कनेक्टेड विथ दैट एसोसिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई गवर्नमेंट सर्वेंट वो ऑफिस बियरर है, कोई एग्जीक्यूटिव कमिटी का मेंबर है, वो इंडिविजुअली कोई रिप्रेजेंटेशन के ऊपर एक्चुअली वो डिसीजन नहीं लेगा, इंडिविजुअली डिसीजन नहीं होगा। सपोज कोई रिप्रेजेंटेशन गया तो कोई इंडिविजुअल ऑफिस बियरर और इंडिविजुअल एग्जीक्यूटिव कमिटी मेंबर उसके ऊपर डिसीजन नहीं ले सकता, वो कलेक्टिव डिसीजन होता है। सब एग्जीक्यूटिव मेंबर बैठेंगे, सब एसोसिएशन का सब मेंबर्स बैठेंगे,
वो रिप्रेजेंटेशन को स्टडी किया जाएगा, तब उसके ऊपर एक्शन होगा। ठीक है, तो इंडिविजुअली वहाँ पर कोई डिसीजन नहीं होगा। फिर हम चलेंगे स्ट्राइक क्या है। स्ट्राइक मीन्स रिफ्यूजल टू वर्क और स्टॉपेज और स्लोइंग डाउन ऑफ वर्क बाय ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज एक्टिंग इन कॉम्बिनेशन एंड इंक्लूड्स। स्ट्राइक में क्या कहते हैं, मास अब्स्टिनेशन फ्रॉम वर्क विदाउट परमिशन, बिना परमिशन से काम नहीं करना, इसको बेसिकली रॉन्गली हम क्या बोलते हैं, मास कैजुअल लीव। कोई परमिशन नहीं लिया है और वो क्या है ना, दे डू नॉट डू वर्क, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज डू नॉट डू वर्क, सिंपली दे इट मीन्स अब्स्टिनेट द वर्क। ठीक है, काम छोड़कर वो जाकर स्ट्राइक में बैठ गए, कोई परमिशन नहीं लिए। रिफ्यूजल टू वर्क वेयर सच ओवर टाइम वर्क इज नेसेसरी, कभी कभी ओवर टाइम वर्क नेसेसरी होता है और वो ओवर टाइम वर्क नेसेसरी होता है, अगर वो मना करते हैं नहीं नहीं हम ओवर टाइम वर्क नहीं करेंगे, तो वो भी स्ट्राइक में जाता है। सीसेशन और सब्सटेंशियल रिटार्डेशन ऑफ वर्क इन एनी ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग गो स्लो, सिट डाउन, पेन डाउन, स्टे इन, टोकन, सिंपैथेटिक और एनी अदर सिमिलर स्ट्राइक आज ऑल्सो एब्सेंस फ्रॉम वर्क फॉर पार्टिसिपेशन इन ए बॉन्ड और एनी सिमिलर मूवमेंट्स। ये जो मूवमेंट्स ये सब चीज में भी इसको भी स्ट्राइक में इंक्लूड किया जाएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है स्ट्राइक के ऊपर। क्लियर, तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हु रिजोर्ट टू एक्शन ऑफ द अबोव काइंड, तो ये जो स्ट्राइक जो जो पॉइंट्स में बताया तो उसमें वो इन्वॉल्व होता है, तो वो सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 को वायोलेट करता है और वहाँ पर डिसिप्लिनरी एक्शन होगा और वहाँ पर जिस दिन वो स्ट्राइक में जाएगा गवर्नमेंट एम्प्लॉई उस दिन उसको सैलरी नहीं मिलेगा। और यदि अनऑथराइज्ड स्ट्राइक होता है, नेक्स्ट पॉइंट, अनऑथराइज्ड स्ट्राइक बाय द एसोसिएशन और यूनियन विदाउट ऑथेंटिक परमिशन, यदि एसोसिएशन उनका राइट को, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का राइट को बचाने के लिए वो परमिशन लेके कोई स्ट्राइक करता है तो वो लीगल स्ट्राइक होता है। मगर अभी जो सुप्रीम कोर्ट का रूल है, कभी भी कोई भी गवर्नमेंट एसोसिएशन स्ट्राइक नहीं करेगा, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एक एसोसिएशन आप जानते हो वो है जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी JCM, एक काउंसिल है, सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन उसका मेंबर है, वहाँ पर वो डिस्कशन होगा, वहाँ पर जो भी प्रॉब्लम है गवर्नमेंट को वो अप्रोच किया जाएगा, JCM अप्रोच करेगा, एसोसिएशन अप्रोच करेगा। पर इस तरीके का स्ट्राइक करना, काम छोड़ देना, बॉन्ड डिक्लेयर करना, तो ये क्या होता है ना, सब इलीगल होता है। तो वहाँ पर क्या होगा ना, जिस दिन स्ट्राइक में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जाएंगे, जो अनऑथराइज स्ट्राइक होगा उसमें सैलरी नहीं मिलेगा और ब्रेक इन सर्विस हो जाएगा, डाइज नॉन डिक्लेयर होता है। मेरा वीडियो डाइज नॉन है, आप मेरा प्लेलिस्ट में देखिए, डाइज नॉन जब ब्रेक इन सर्विस हो जाता है, जो पास्ट सर्विस है वो फॉरफिट हो जाता है, जो भी पास्ट सर्विस आपका है वो उसको इंक्लूड फ्यूचर में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो अनऑथराइज स्ट्राइक बाय द एसोसिएशन और यूनियन विदाउट ऑथेंटिक रीजन इन टर्म्स ऑफ ब्रेक इन सर्विस और डाइज नॉन, द एम्प्लॉइज शुड नॉट घेराव के ऊपर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द एम्प्लॉइज शुड नॉट पार्टिसिपेट इन घेराव इन्वॉल्विंग फोर्सिबल कन्फाइनमेंट ऑफ द पब्लिक सर्वेंट्स इन ऑफिस प्रीमाइसेस। कभी कभी क्या करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज घेराव कर देते हैं, कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट को कैप्टिवेट कर देते हैं, कन्फाइन कर देते हैं ऑफिस के अंदर, उनको लॉकअप कर देते हैं, तो ये पूरा वायोलेट होता है रूल का। एब्सेंस फ्रॉम वर्क ऑन अकाउंट ऑफ पार्टिसिपेशन इन घेराव शैल बी ट्रीटेड एज अनऑथराइज एब्सेंस इन्वॉल्विंग ब्रेक इन सर्विस। वहाँ पर जब ऐसा कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज मिलकर कुछ रेस्ट्रेंट मेजर ले आते हैं, कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट्स को कन्फाइन कर देते हैं और कैप्टिवेट कर देते हैं ऑफिस प्रीमाइसेस के अंदर, तो ये वायोलेट होता है। उस समय क्या होगा ना, जिस दिन वो करेंगे वो अनऑथराइज इट मीन्स एब्सेंस उसको माना जाएगा और ब्रेक इन सर्विस होगा, डाइज नॉन हो जाएगा वह, एक बार डाइज नॉन होगा मीन्स जो पास्ट सर्विस है वो फॉरफिट हो जाएगा। ठीक है, डिसिप्लिन एक्शन शैल बी टेकन अगेंस्ट द प्रोमिनेंट पार्टिसिपेंट्स इन घेराव, जो भी घेराव में पार्टिसिपेंट्स है तो उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन होता है, उनका सैलरी बंद हो जाता है, उनका जो सर्विस है वो ब्रेक इन सर्विस हो जाता है, डाइज नॉन डिक्लेयर कर दिया जाता है, उनका पास्ट सर्विस उस जो ब्रेक इन सर्विस होता है और डाइज नॉन पीरियड डिक्लेयर कर दिया जाता है उसमें जो पास्ट सर्विस है वो फॉरफिट हो जाता है। ठीक है, पुलिस एक्शन शैल ऑल्सो बी टेकन अगेंस्ट घेराव एम्प्लॉइज, पुलिस एक्शन भी लिया जाता है। एंड इफ पुलिस टेक नो एक्शन, यदि पुलिस एक्शन नहीं लेता है, देन एक्शन शुड बी टेकन प्रॉम्प्टली टू फाइल ए कंप्लेंट बिफोर द अप्रोप्रिएट मैजिस्ट्रेट
in respect of the substantive offences under the Indian Penal Code or other laws. पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, यदि पुलिस एक्शन नहीं लेता है तब जो IPC रूल है, इंडियन पेनल कोड का रूल है, तब जो अप्रोप्रिएट मजिस्ट्रेट का हेल्प लिया जाता है, तो जो भी पार्टिसिपेंट्स घेराव में होते हैं उनके अगेंस्ट में एक्शन लेने के लिए. होल्डिंग ऑफ मीटिंग्स और डेमोन्स्ट्रेशंस बाय गवर्नमेंट सर्वेंट्स विद इन ऑफिस प्रमाइसिस इज वायोलेटिव ऑफ रूल 7I. कोई भी मीटिंग करना, कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन करना, पब्लिक सर्वेंट्स इफ दे पब्लिक सर्वेंट्स होल्ड मीटिंग्स और एनी टाइप ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन इन साइड द ऑफिस कैंपस देन ऑल्सो इट वायोलेट द रूल 7I. तो ये था जो कंडक्ट रूल्स का रूल 4 to 7. ठीक है, फर्स्ट थ्री रूल्स ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड, यू सी माई पार्ट टू. इस कंडक्ट रूल का पार्ट वन सेक्सुअल हरासमेंट, वो प्ले लिस्ट में पड़ा है. पार्ट टू में रूल 1, 2, 3 ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, वो भी मेरा प्ले लिस्ट में पड़ा है, मेरा चैनल को जाइए. और ये थर्ड पार्ट है. फोर्थ है रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, आज मैं डिस्कस किया, क्लियर. फिफ्थ वन इलेक्शन एंड पॉलिटिक्स के ऊपर है. सिक्स्थ वन एसोसिएशंस के ऊपर है. सेवन्थ वन स्ट्राइक्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस के ऊपर है. तो प्लीज़ इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब मी. माई चैनल नेम इज़ असित गवर्नमेंट रूल गुरु. सो डेफिनेटली नेक्स्ट माई अपकमिंग वीडियोज आई विल डिस्कस अदर रूल्स ऑफ CCS कंडक्ट रूल 1964. सो आज इतना ही है, थैंक यू.